नमस्कार सकाळ ओडिसा को स्वागत करुछि मु स्निग्धा आसीबा संपूर्ण खबर को सुप्रीम कोर्ट रे विवादी अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामलार सुनानी शेष होईछि। राय संरक्षित रखिछन्ति पांच जणिया संवैधानिक खंडपीठ। नवेम्बर 17 रे प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई अवसर ग्रहण करबाकु जाउथिबारु एहा पूर्वरु मामलार राय प्रकाश पाइबार संभावना रहिछि। 40 दिन धरी उभय पक्षर जवाब सवाल सुनिबा परे राय संरक्षित रखिछन्ति सर्वोच्च अदालत। जमीन विवाद मामलें संप्रक्त पक्षर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ व सहायता मामलें परिवर्तन प्रसंग में लिखित आवेदन करने तीन दिन समय दिया जाए छे। आज मामलार शुणी करजिया खंडपीठ चैंबर में एकत्रित हेबे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार पक्षर एनेकी नोटिस जारी करा तेरे एठारे कौनसी शुणी हेबनी। सूत्र मिलता सूचना अनुसार पांच जन विचारपति अयोध्या मामलार राय लिखा पूर्व एने आलोचना करेंगे। सेपटे उत्तर प्रदेश में हाई आलर्ट जारी होती। अयोध्या सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा 30 नवंबर पर्यंत उत्तर प्रदेश समस्त सरकारी अधिकारी छुट्टी बातल कर दिया जाए। तेज संपर्क अधिक सूचना पाई आम सहित न्यूज 18 प्रतिनिधि सुशील पांडे जोड़ी होती। सुशील जी, अभी नवंबर 17 को तो चूड़ांत जो राय आएगा, लेकिन आज से जो प्रक्रिया के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, कैसा अभी प्रक्रिया देख रहे हैं आज से, और अलर्ट की बात करें और सिक्योरिटी की बात करें, उस हिसाब से क्या बंदोबस्त किया गया है? जी देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन की हियरिंग के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज तमाम जो वरिष्ठ जज हैं, 5 जज हैं, वो इन चैंबर आज बैठकर इस मामले में विचार कर सकते हैं कि जो फैसला लिखा जाना है उसकी रूपरेखा क्या होगी। बड़ी अपडेट इस मामले में ये दे दें कि फैसला लिखा जाने को लेकर चीफ जस्टिस का विदेशी दौरा रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस को विदेश जाना था 18 अक्टूबर से, लेकिन वो विदेश जाने के उस दौरे को उन्होंने रद्द कर दिया है। जो पहले से ही कार्यक्रम उनका बुक था, उनको साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज में जाना था जहां पर कुछ इवेंट्स है, लेकिन अयोध्या का जो फैसला है वो उनको लिखना है, लिहाजा उन्होंने उस दौरे को रद्द कर दिया है। आज इस मामले में वो मंथन करेंगे। दूसरा कि जो मध्यस्थता कमेटी ने रिपोर्ट दाखिल किया है, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो अपना सूट वापस लेना चाहते हैं, आज उस पर भी विचार हो सकता है जब इन चैंबर इस मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं अगर देश में बात करें तो अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है, उसके बाद तमाम जो पुलिस ऑफिसर हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया है 30 नवंबर तक। सरकार ने ये सुरक्षा की दृष्टि से फैसला लिया है। सरकार ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि जो सामाजिक समृद्धि है, सामाजिक संभाव है सभी लोगों में, वो बना रहे, और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो पुलिस वालों की जो छुट्टियां हैं उनको तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिलहाल फैसला सुरक्षित हो गया है। अब सबकी नजरें, देश भर की नजरें सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले पर है। फैसला किसके पक्ष में आएगा, हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार, दोनों लोगों का कहना यही है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो सर्वमान्य होगा। दिखना यह है कि जब इस ऐतिहासिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ आदेश देगा तो वो आदेश किसके पक्ष में जाएगा। सुशील जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो विड्रॉल के केस के बारे में अगर हम बात करें तो उस हिसाब से कितनी पॉसिबिलिटी आप देखते हैं, और जो राय आने वाला है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट या फिर कोई प्रभाव आएगा क्या? जी देखिए, एक मुख्य पक्षकारों के रूप में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देखा जा सकता है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जो स्निग्धा दलील है वो दलील है कि जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर वो अपना सूट वापस लेते हैं तो वो केस कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ जरूर दिख रहा। लेकिन आखिरी फैसला चीफ जस्टिस को लेना है कि क्या वो इस दलील को मानने के लिए तैयार है कि जब सुनवाई अंतिम चरण में हुआ है तो इस तरह का फैसला लिया गया। ये फैसला कानूनी रूप से कितना टिक पाएगा मामले पर, सुशील आज कुछ होगा, कुछ प्रक्रिया होगा कोर्ट में? जी बिल्कुल, ऐसा सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो मध्यस्थता पैनल के जो हेड है श्री राम बच्चू, उन्होंने जो पत्र लिखा है सीजीआई को जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपना सूट सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपना सूट वापस लेना चाहते हैं, उस पर हो सकता है कि आज भी विचार किया जाए।
ओके बहुत बहुत धन्यवाद सुशील पांडे थिले आम सहित न्यूज 18 प्रतिनिधि सविशेष आमको अयोध्या जमी विवाद मामलें कौन वर्तमान अपडेट आसुच्छी एवं किभली भाव में वर्तमान प्रक्रिया चली से संपर्क में सविशेष सूचना दौले अच्छा परवर्ती खबर को पुणी खाकी रे लागिला दाग अभियुक्त सह सेल्फी उठाई जणे आईआईसी निलंबित होवार दिनक परे पुणी सन्नाकु आसीछि पुरी पुलिस रा आउवेक कोळंकित चेहरा इतर पुलिस को बदनाम करिछंती जणे कनेस्टेबल जिरो महिला को दुष्कर्म और ब्लैकमेल करबा अभियोग रे गिरफ होइछंती जणे कनेस्टेबल से उछंती पुरी निमापडा थाना रा कनेस्टेबल गंगाधर राउत पुरी एसपी को निर्देश रे कनेस्टेबल गंगाधर को गिरफ करिछि सत्यवादी पुलिस एक मामला रे सहयोग करबा को कही महिला को कनेस्टेबल जणक दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछ पुणी खाकी रे लागिला दाग जेभली भाबरे आपण जानिथिले किछि दिन पूर्वरो अभियुक्त सह सेल्फी नै जो थिले आईआईसी थिले तांकु निलंबन करा जायतिला एवं वर्तमान पुणी थरे सेई चित्र सामना को आसीछि पुलिस रा अविक कलंकित चेहरा सामना को आसीछि आ एथरो पुलिस को बदनाम करिछंती जणे कनेस्टेबल एवं सूचना अनुसार जणे महिला को दुष्कर्म और ब्लैकमेल करबा अभियोग रे गिरफ होइछंती जणे कनेस्टेबल से उछंती पुरी निमापड़ा थाना रा कनेस्टेबल गंगाधर राउत तेरे संपर्क में अधिक अपडेट जानवा आम सहित अच्छा फोनलाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि देवाशिष सिंगरा देवाशिष कौन पूरा घटना था कितने सत्यासत रही कौन कहते महिला जनक अपडेट कौन बर्तमान आसुच्छ महिला जनक अभियोग रही था गत किसी वर्ष धरी गंगाधर राउत ब्लाकमेलिंग करते सहित दुष्कर्म करते कथा को कौन भाव गुरुत्व दि जाऊनता ए संपर्क में मामला रुजुला कि मामला रुजु कर पुलिस चुप बसला से गंगाधर राउत गत वर्ष जा हाइकोर्ट गोटे बेल पिटन जाहिर करते हाइकोर्ट रू बेल मिलता किसी दिन आश्वस्ति मिलता से गिरफ नापी कि समय पूरी एसपी जो से हस्तक्षेप कले गत काली निमापड़ा थाना आणिक गिरफ्त कर तेज महिला जनक कौन एक्जाक्टली अभियोग करते कौन बर्तमान पर लोक मैंने कौन कहते घटनार तदंत बर्तमान केमती चली देखो महिला जनक अभियोग गोटे मामलें सत्यवादी स्थान जो गंगाधर प्रधान जो गंगाधर राउत जो ड्यूट करते सहित देखाई गोटे मामलें आसते अभियोग नहीं महिला जनक सत्यवादी थाना को से समय गंगाधर तर फोन नंबर नहीं सहित संपर्क स्थापन करते मामलें सहयोग कर प्रतिश्रुति परवर्त समय सहित संपर्क आसी संपर्क स्थापन पर सहित संपर्क स्थापन कर दुष्कर्म करते ब्लाकमेलिंग कर अभियोग आनते प्राय 80,000 टका से जमी किनवाई जहाँ परवर्त समय दे नई अभियोग महिला जनक थाना आनी कितु जेहेतु से जे पुलिस कनेस्टेबल थे पुलिस सहयोग कर गिरफ कर अभियोग आनर्वर महिला जनक पुरी एसपी पक्ष द्वारा पुरी एसपी निर्देश पर गिरफ्त कर तेज मामला रे कनेस्टेबल जो रही गंगाधर जो अभियुक्त रही विरोध में वर्तमान आईनगत दिगक कार्यानुषान देखा कौन कार्यानुषान देखो महिला जनक अभियोग क्रमे पुलिस मामला रुजु करती मामला रुजु कर गत काली गिरफ करी आज कोर्ट चलाण तेणु जेहेतु महिला जनक विरोध में जो अभियोग आते अभियोग सत्यासत रही पुलिस अनुभव करेंगे गिरफ्त कर आज कोर्ट चलाण कर कोर्ट चलाण पर सत्यासत जना पुलिस को कौ धारे गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर तार स्पष्टीकरण पुलिस दे पार बहुत बहुत धन्यवाद देवाशिष सिंगरान थे प्रतिनिधि घटना संपर्क में सविशेष अपडेट सूचना दौले आमको विजयपुर उपनिर्वाचन आज प्रचार मैदान को ओह्लैबे मुख्यमंत्री दुई दिन में 43 पथप्रांत सभा सहित रोड शो करेंगे नवे दलय प्रार्थी रीता साहू को लगे आज विजयपुर और बरपाली में रोड शो करेंगे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक सका 9 नवीन नवास बाहरी हेलिकप्टर जोगे विजयपुर जी नवीन सका 10:30 विजयपुर लाउमुंडार रोड शो प्रचार आरंभ करेंगे नवीन पर कुरकोटा पथरला बड़बाउसेन चौक साईपाली
झरमुंडारे रोड शो करिबा परे मध्यान 12टारे चारपाली रे रोड शो करिवे। एथिरे उपस्थित जनतांकु उद्बोधन देवे नवीन। 12:30टारे विजयपुर रे रोड शो करिवे नवीन। बीजेडी सुप्रीमोंकर ही रोड शो परे सरणपाली बारगां छक रेमटा कुंभारी पाटकुलुंडा काईसर बरंगपाली हलदीपाली वटिका अगलपुर देई तेजंगरे पहुंचिवे। बरगढ़ रात्रि जापन करिवे मुख्यमंत्री आउ परे पुणी आसंता काली गाईसिलट अंचल रे रोड शो करी दलीय प्रार्थी रीता साहू को पई वोट भिक्षा करिवे। ए संपर्क रे स्थिति परखिबा विजयपुर रो लाउमुंडा रे अछंती हम प्रतिनिधि रंजन कुमार देवता। रंजन को पाखो को सीधा तल को जीवा। रंजन केमती वर्तमान प्रस्तुति को देखु चंती आउ किछि समय अपेक्षा रही छि एहा परे मुख्यमंत्री जाई कि पहुंचि जेबे लाउमुंडा रो तंकर रोड शो आरंभ करिवे एवं जो जनता रही चंती विजयपुर वासी तांकु मध्ये संबोधन करिवे। केमती वर्तमान प्रस्तुति देखु चंती एवं विजयपुर वासी को भितरे केते उत्साह वर्तमान रही छि। देखंतु श्रीदा विजयपुर उपनिर्वाचन को ने जमुछि कैंपेनिंग आज बीजेडी सुप्रीमो नवीन पंडा खोद निर्वाचन मैदान को उल्लेबे एवं प्रार्थी रीता संघ पई वोट भिक्षा करेंगे। आम अच्छु विजयपुर ब्लक लाउमुंडा पड़िया जो मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर अवतरण करेंगे और यूँ रोड शो आरंभ हम मुझ सीधा सड़क कैमेरा मान को अनुरोध करी देखे मुख्यमंत्री गस्त को नहीं जो सुरक्षा व्यवस्था कर एसपी निजे तदारख कर एसपी सहित आम आलोचना करवा पचार मुख्यमंत्री गस्त समय कौन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कर केते प्लाटून फोर्स मुतयन कर संपर्क में आलोचना करवा मुझ कैमेरामैन को अनुरोध करुच्ची देखे ताजा चित्र देखे जो मुख्यमंत्री को आसवापी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कर खोद एसपी पद्मिनी साहू तक विभाग अधिकारी सह आलोचना करमी सुरक्षा व्यवस्था रही मुख्यमंत्री गस्त समय केमी कि अघटन घटव केमी शांति श्रृंखला सहित रोड शो कर संपर्क में एसपी आलोचना करते आप सीधा सड़क दृश्य देखिपे आम एसपी का प्रतिक्रिया ना मुख्यमंत्री गत समय कौन सुरक्षा व्यवस्था रही मैडम मुख्यमंत्री 10:00 पहुँचे तो मुख्यमंत्री गस्त को नहीं कमी सुरक्षा व्यवस्था रही है प्लाटून फोर्स मतलब कौन कहपुर आमर सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण रूप से कड़ाकड़ी भाव में सुरक्षित भाव में रोड शो कंडक्ट करवाक संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था अच्छी से आमर हरहारी 13 प्लाटून फोर्स मुतयन कर तो 16 प्लाटून फोर्स सहित कितने डीएसपी अच्छा एसपी अच्छा कौन व्यवस्था कराई आमर जिलार एवं बाहर निकट जिलार 4 डीएसपी आ सहित 2 एडिशनल एसपी दायित्व रही तो मोटामोटी भाव पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कमी अच्छे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण रूप से आम प्रस्तुत अच्छा आम समस्त फोर्स को मोबिलाइज कर भल भाव में सिक्योरली कमी आम पैसेज करूँ तार संपूर्ण तो मुख्यमंत्री आज रोड शो करेंगे लाउमुंडा बाहर टोटाल के किलोमीटर से बुलेबे शुणुले एसपी प्रतिक्रिया रखुते जे मुख्यमंत्री गस्त को नहीं पुलिस प्रशासन पक्षर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कराई 16 प्लाटून फोर्स मुतयन कराई तेरे मुख्यमंत्री को स्वागत करने आम कैमेरामैन को अनुरोध करी सीधा सड़क दृश्य देखेबू आम जो विधायक कर्मी लोके उत्साहित अच्छा मुख्यमंत्री आसवे अपेक्षा करवागत करपेक्षा करते मुख्यमंत्री आसवे लाउमुंडा को पहुँचे लाउमुंडावासी को उद्बोधन देवे लोकों सहित मिसे कौन कह निर्वाचन को नहीं आम सहित अच्छा लांजीगढ़ विधायक तांको पचारि बुझा सीधा सख्त प्रतिक्रिया ना सर मुख्यमंत्री केते बेले पहुंचिबे कोठु आरंभ करबे को पजंत जिबे देखंतु मुख्यमंत्री आमर 10:30 एठी लाउमुंडा रे पहुंचिबे लाउमुंडा रो बस जगे आमर विभिन्न पंचायत जिबे बाटरे जो पंचायत पड़िबो एवं विजयपुर रे तांकर माने रहिबे एवं सेटे रे मध्य तांकर माने आमर ये लोकंक सहित मिसिबे एवं कार्यक्रम आमर बहुत लंबा चौड़ा अछि आमर 45 किलोमीटर बस रे से यात्रा करिवे लोक मैंने बहुत रास्त अपेक्षा कर स्वागत करने आम मानव मुख्यमंत्री स्वागत करने आउ सब प्रस्तुति सरी अल्प समय पर आसवे आम प्रिय मुख्यमंत्री आशीष बराबर आम समस्ते विजयपुर निर्वाचन मंडल समस्ते खुशी अच्छा और अभिनंदन जाना सब गाँव में रास्त समस्ते अपेक्षा कर प्रोग्राम अच्छे लाउमुंडा लाउमुंडार जो आम गाँ कुरकुटा कुरकुटार बड़बाउसेन बड़बाउसेन साईपाली साईपाली आमर जीव खरमुंडा खरमुंडा टी गणपाली टी गणपाली चारपाली चारपाली कंगापाली कंगापाली गुड़ीमुंडा हो विजयपुर आसवे आम बहुत उत्साहित अच्छा आमर ये मुख्यमंत्री आसवर आम ये निर्वाचन मंडल में बहुत किसी कार्यक्रम हो पारे और बहुत किसी आम रास्ता प्रकाश कर मुख्यमंत्री आंकर नहीं समस्त उत्साहित अच्छा आम सहित अच्छा किसी वरिष्ठ नागरिक पचार बुझा मुख्यमंत्री आई वर्ष तीन टी उपनिर्वाचन होगा जाऊँगी आपड़ कमी देखुं निश्चित भाव ठीक देखु
ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 42,000 ଭୋଟରେ ବିଜେଡ଼ି ଠାରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 54,000 ଭୋଟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଆମେ 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ବିଜୟ କରିବୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିଛୁ। ଆଉ ଏହି ନିର୍ବାଚନଟି ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର ବିଜୟର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦଳ ଶାସନରେ ରହେ ଲୋକେ ସେହି ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହି କଥା ଏଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଏଇନିକି ଆସିଛନ୍, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ 8 ଦିନ ହେଲାନ ଉତ୍ସାହିତରେ ଅଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାମୁଣ୍ଡା ଆସିବେ। ଆମର ଲାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଏହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିସାରିଛେ। ଲାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇସାରିଛେ, ଆର୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ବି ବୋଲି ଆମର ପୁରା ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ନିର୍ବାଚନ ହଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ 2-4 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଖୁସି, କାରଣ ଆମକୁ ବିକାଶ ଦରକାର ହେଉଛି। ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ। ଆମ ସବୁ ଏରିଆରୁ ଆମର ଇନ୍କେ ଭିଡ଼ ଜମି ହେବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏଥର ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାମୁ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ବିଜେପୁରର ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଛେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ଆର୍ ଏବେ ଇନର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଉ, ଗମନାଗମନ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଲୋକେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ 100 ୱାର୍ଡ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏବଂ ସେପଟେ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା ଥିଲେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ବିଜେପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ, ସେ ନେଇକି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ। ଫୁଲବାଣୀରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏହା ସହ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସରକାର ଟିମ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗସ୍ତ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିବ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀରେ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହ ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ମିଳିବ 1 ଲେଖାଏଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ କୋଠା ସହ 3 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ 2 ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 250କୁ ବୃଦ୍ଧି ସହ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ କୋଠା ହେବ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ମିଳିବ 2 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ 1 ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ ପାଇଁ 4 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ 1 ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ କାଶୀପୁର ସିଏଚ୍ସି ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ ପାଇଁ 4 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ 1 ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। The state government's endeavor is to set up one medical college in each of the erstwhile undivided districts. The government medical college and hospital will be set up at district headquarters hospital, Phulbani. The number of beds would be increased to 500 for the aforesaid purpose, and a composite campus would be planned. All district hospitals to have attendant rest sheds, rupees 15 lakhs to all Rogi Kalyan Samitis from CMRF for patient welfare and innovations, rupees 10 lakhs to the SPs for promotion of blood donation activities. Sabu jilla hospital le rahibo rogi ko samparkyon ko pai bisramagar,
ରୋଗୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିବ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୋ ସରକାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫର୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ଡ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଦ 5 ମୋର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ବାଇ ଡିସେମ୍ବର 1st ଆଣ୍ଡ ବାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 5th 2020 ମୋ ସରକାର ୱିଲ୍ କଭର ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ରାୟଗଡ଼ା ଦ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। କାଲାହାଣ୍ଡି ୟୁଆର ମଡେଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟର ଷ୍ଟେଟ୍। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଧମାଲ ୟୁଆର ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦସ୍ ୱେର୍ ଏଭର୍ ୱି ହାଭ୍ ଗନ୍। କନ୍ଧମାଳ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବିଭାଗରେ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 5 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।